छत्तीसगढ़ के महासमुंद पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली टैबलेट और सिरप बरामद की। आपको बता दें कि अवैध रूप से नशे के इन प्रतिबंधित टैबलेट और सिरप समेत गांजा और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री हो रही थी। वहीं इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में नशीली दवाइयों का व्यापार करता था। आरोपी के पास मिले सबूत के आधार पर अब तक वह 50 लाख रुपए से भी अधिक के नशीली दवाइयों का व्यापार कर चुका है। इसको एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। आज करीबन हम लोगों ने 3,64,000 रुपीस का कप सिरप और गोलियां पकड़ी है। यहाँ पर हमें सूचना मिली थी कि कोमा खान क्षेत्र में एक व्यक्ति सात खाकी रंग के कार्टून के साथ में वहाँ पर था। हम लोगों को उसके बारे में शक हुआ, मुखबिर से उसके बारे में सूचना मिली, तो फिर हमारी पुलिस टीम वहाँ पर गई और घेराबंदी करने के बाद में खाकी की जो कार्टून रखे हुए थे उसको चेक करने के बाद में पता चला कि उसके पांच खाकी के कार्टून में करीबन 41,000 लगभग गोलियाँ हम लोगों को मिली और जो कि प्रतिबंधित हैं। और उसी प्रकार से हम लोगों को लगभग दो मतलब हम लोगों को जो सिरप मिला, सिरप का नाम है जिसको सर्दी खांसी में इस्तेमाल करते हैं, एस्कफ। ये सिरप भी मतलब एक प्रकार से बोलना चाहिए कि उसको जब हम लोगों ने पूछा तो इन दोनों चीज़ों के बारे में उसके बाद में किसी प्रकार का मतलब कोई भी लीगल पेपर मतलब उसके पास नहीं मिला। और उसे जब हम लोगों ने इसके बारे में पूछना चाहा तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर हम लोगों को शक लगा और उसके बारे में हम लोगों ने पूछताछ किया तो आगे हम लोगों को पता चला कि संबंधित व्यक्ति नुआपाड़ा जिले का रहने वाला है और यह भवानीपट्टनम में ग्राम हाथी बांधा में न्यू रामेश मेडिकल स्टोर्स मतलब स्टोर से संबंधित व्यक्ति है, उसका मालिक है। और उसके बाद इनकी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं था। फिर हम लोगों ने उसको गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ किया तो आगे पता चला कि उसने पहले भी करीबन 50 लाख के इस प्रकार की प्रतिबंधित दवाओं को बेचा है। किन किन क्षेत्रों में बेचा उसके बारे में अभी हमारी पूछताछ कर रहे हैं, जिसके बारे में आगे आने वाले हम लोगों को सूचना प्राप्त होगी और मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सारी चीज़ों के बारे में पूछताछ किया तो उसने इन सभी चीज़ों को कबूल किया और हम लोगों ने गिरफ्तार किया।